हेलो डियर स्टूडेंट वेलकम टू उत्कर्ष इंजीनियर्स क्लासेस तो डियर स्टूडेंट इस वीडियो के अंदर अपन पढ़ने वाले हैं कॉस्ट ऑफ कंपैरिजन ऑफ कंडक्टर आपको पता है कि ये जो टॉपिक है वो जेई पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा बोलते थे मैसेज भी किया मुझे उन्होंने कि सर क्या ये टेबल याद रखनी होती है कोई इसका कोई दूसरा तरीका नहीं है तो देखो यहां पर टेबल कैसे याद रखोगे वो तो मैं आपको बताऊंगा ही बताऊंगा लेकिन पहले अपन ये देखेंगे कि एक्चुअली वो रिजल्ट आए कैसे क्योंकि बहुत सारे को ये नहीं पता होता कि रिजल्ट आते कैसे बस वो रट लेते हैं टेबल को टेबल को रटने की रिक्वायरमेंट नहीं है जो रिजल्ट है एक्चुअली आपको प्रोसेस आना चाहिए क्योंकि एग्जाम में हो सकता है अगर बाय चांस अगर आप रिजल्ट भूल गए तो क्या कर सकते हो आप वहां पर डिराइव करके आप फॉर्मुले को निकाल भी सकते हो डेरिवेशन में कोई बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है तो अपन यहां पर पढ़ेंगे कि कॉस्ट ऑफ कंपैरिजन करना है अपने को डिफरेंट टाइप ऑफ सप्लाई सिस्टम जो होता है जैसे मान लो डी

क्योंकि हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए उत्कर्ष इंजीनियस क्लासेस जो है वो न्यू बेच स्टार्ट करने जा रहा है फ्रॉम फिफ्थ नवंबर से और फिफ्थ नवंबर से ये स्पेशली हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए इसमें पूरे नोट्स आपको हिंदी में मिलेंगे अगर आपको हिंदी में डेमो देखना है तो YouTube पर प्लेलिस्ट के अंदर आपको डिफरेंट डिफरेंट फैकल्टीज के डिफरेंट 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 वीडियो आपको मिल जाएंगे आप वहां पर जाकर आप हमारा डेमो भी देख सकते हो तो चलिए ये आपके पास में इंफॉर्मेशन है और देखो यहां पर जो है फिफ्थ नवंबर से स्टार्ट हो रहा है ये बेच आपका प्लस साथ में यहां पर क्या आपके पास में तो इसके अंदर जो है ये फाउंडेशन कोर्स है अगर आपको दिख रहा होगा लिखा हुआ है कि फाउंडेशन बेच है फाउंडेशन बेच का मीनिंग क्या है तो फाउंडेशन बेच का मीनिंग ये कि इसमें अपन क्या करने वाले हैं पूरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस जो है वो हम आपको पढ़ाने वाले हैं और पूरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मतलब आपको पता है कि जो एस एस जेई का सिलेबस अलग होता है थोड़ा यूपीपीसीएल का अलग होता है राजस्थान के एग्जाम का अलग होता है तो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट का अलग अलग सिलेबस होता है तो हम क्या करने वाले है? पूरा एक सिलेबस अपन पढ़ाएंगे जिसमें सारे स्टेट का जो सिलेबस है वो कवर हो जाए जिसमें हमने मेनली फोकस किया है तो हमने फोकस किया एस एस सी जेई एग्जाम को कि एस एस जेई का पूरा सिलेबस यहाँ पर कवर होगा प्लस आपके पास में आर आर बी जेई की वैकेंसी आपको पता है बहुत जल्दी आने वाली है तो उसका भी सिलेबस जो है वो भी पूरा कवर होगा हो इसके अंदर प्लस यूपीपीसीएल जेई प्लस यूपी ट्रिपल एस सी जेई प्लस आर एस सी बी जेई एंड अदर स्टेट जेई एग्जाम जितने भी होंगे पूरा टेक्निक मतलब तो मान के चलो पूरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो है हम यहाँ पर पढ़ाने वाले हैं आपको एक सेम बेच के अंदर और सेम कॉस्ट प्राइस पर है ना आपको एक्स्ट्रा नहीं देने की रिक्वायरमेंट है यानी ओनली जो फीस है अगर इसकी बात करें तो सिर्फ एट थाउजेंड रुपीज में पूरा आपको मिलने वाला है ओनली टेक्निकल नहीं यार आपको नॉन टेक्निकल पार्ट भी आपको यहां पर पूरा मिलने वाला है नॉन टेक्निकल में जिसमें रीजनिंग होगा आपके पास में एप्टीट्यूड होगा प्लस अगर आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हो कोई मान लो यूपी से बिलोंग करता है कोई अगर एमपी से बिलोंग करता है कोई राजस्थान से बिलोंग करता है तो प्लस उसमें एडिशनली आपको उन स्टेट के पर्टिकुलर स्टेट का जीके जो है वो भी पढ़ाया जाएगा सेम बेच के अंदर यानी कि सारी चीजें आपको मिश्र मिलने वाली है पूरा एक कॉम्बो पेक है वो आपको एक ही कॉस्ट में मिलने वाला है वो एट और बहुत ही हमने नॉमिनल कॉस्ट रखी है तो जल्दी से आप क्या कर सकते हो इसका जो है एडमिशन ओपन हो चुके हैं आप क्या कर सकते हो उत्कर्ष की एप डाउनलोड करके आप जो है एडमिशन ले सकते हो आप बेच को ज्वाइन कर सकते हो तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर कॉस्ट कॉस्ट कंपैरिजन कंपैरिजन का तो देखो मैंने आपको क्या बोला अपन अपन जो यहां पर करने वाले हैं वो कॉस्ट कंपैरिजन डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ सप्लाई सिस्टम की अपन यहाँ पर करेंगे अब डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ सप्लाई सिस्टम में क्या क्या हो सकता है हो सकता है आपका डीसी सिस्टम हो हो सकता है आपके पास में सिंगल फेज ए सी सिस्टम हो सकता है आपके पास में जो है यहाँ पर टू फेज एसी सिस्टम हो सकता है आपके पास में थ्री फेज एसी सिस्टम हो तो पहले अपन कर रहे हैं सबसे पहले जो फर्स्ट हेडिंग होगी आपके पास में कॉस्ट कंपैरिजन किसका आपके पास में डीसी सिस्टम का cost comparison, cost comparison, cost comparison system, अब देखो यहां पर अपन कॉस्ट कंपैरिजन करने वाले हैं सबसे पहले अपन डीसी सिस्टम की बात करेंगे अब देखो डीसी में भी अपन क्या करते हैं अपन तीन तरीके से जो है वो अपन प्रोसेस यूज करते हैं तीन तरीके से अपन ट्रांसमिशन वायर अपन यूज करते हैं पहला तो क्या होगा डीसी सिस्टम आपके पास में दो वायर का होगा ठीक है तो यहां पर क्या होगा आपके पास में इसमें जो कॉस्ट कंपेरिजन डीसी सिस्टम का होगा उसमें फर्स्ट अपन पढ़ेंगे डीसी डीसी सिस्टम डीसी सिस्टम और उसमें क्या होगा आपके पास में टू कंडक्टर अपन एज्यूम करके चलेंगे आपके पास में टू कंडक्टर विद विद वन कंडक्टर अर्थ अपन क्या मान के चल रहे हैं यहां पर दो कंडक्टर है और वन कंडक्टर जो है वो आपके पास में क्या अर्थ मतलब अपन ने अर्थ से कनेक्ट किया हुआ है अब देखो ये जो कॉस्ट कंपैरिजन अपन करते हैं ना इस कॉस्ट कंपैरिजन के बहुत सारे एजेंशन भी होते हैं कि इन अजमसन्स को मानकर अपन कॉस्ट कंपैरिजन करेंगे ना ऐसा नहीं कि अपन ने कॉस्ट कंपैरिजन ऐसे ही कर लिया नहीं अपने को यहां पर क्या होगा कुछ अजमसन मान के चलेंगे में क्या क्या होगा पहला आपका ये होगा कि इसमें कॉस्ट कंपैरिजन अपन करेंगे तब पावर ट्रांसफर जो है अपन क्या मान के चलेंगे सेम मान के चलेंगे अगर मैं अजमसन की बात करूं तो अजमसन्स में क्या क्या आएगा आपके पास में अजमसन्स में जो होगा पहला एजमसन क्या होगा आपके पास में पावर ट्रांसफर पावर ट्रांसफर फॉर ऑल सिस्टम पावर ट्रांसफर फॉर पावर ट्रांसफर फॉर ऑल सिस्टम ऑल सिस्टम आर सेम पावर ट्रांसफर फॉर ऑल सिस्टम आर सेम पहला पावर ट्रांसफर जो है अपन क्या मान के चलेंगे सेम मान के चलेंगे ना पावर ट्रांसफर फॉर ऑल सिस्टम आर सेम मतलब पी जो है हम क्या मान के चलेंगे सेम मान के चलेंगे दूसरा जो है ट्रांसमिशन लाइन जो है अपन क्या कर रहे हैं जो ट्रांसमिट कर रहे हैं पावर उसकी लेंथ जो है वो भी अपन क्या मान के चलेंगे लेंथ ऑफ ट्रांसमिशन जो है वो भी अपन क्या मान के चलेंगे सेम मान के चलेंगे तो नेक्स्ट होगा आपके पास में लेंथ ऑफ लेंथ ऑफ पावर ट्रांसमिशन पावर ट्रांसमिशन लेंथ ऑफ पावर ट्रांसमिशन इज ऑल्सो सेम ऑल्सो रिमेन सेम नेक्स्ट थर्ड एजेंसन जो होगा वो अपन क्या मान के चलेंगे लोसेज जो है अपन सिस्टम में जो लोसेज हो रहे होंगे उन लोसेस को अपन क्या मान के चलेंगे सेम मान के चलेंगे तो नेक्स्ट होगा आपके पास में लोसेज लोसेज आर रिमेन सेम लोसेज आर रिमेन सेम क्या रहेगा वो भी सेम रहेगा Next, तो पावर ट्रांसफर सेम है एक लेंथ सेम है एक लॉसेज सेम है और एक और अपन मान के चलेंगे कंडक्टर से अर्थ का जो मैक्सिमम वोल्टेज होगा वो आपके पास में क्या रहेगा वो भी सेम रहेगा तो यहां पर क्या होगा नेक्स्ट एजेंस होगा मैक्सिमम वोल्टेज मैक्सिमम वोल्टेज मैक्सिमम वोल्टेज मैक्सिमम वोल्टेज फ्रॉम वन कंडक्टर टू या कंडक्टर टू अर्थ कंडक्टर टू अर्थ वो कौन सा होगा वीएम वो क्या होगा वो भी आपके पास में क्या रहेगा रिमेन सेम रहेगा मतलब ये जो सारी चीज मैंने इन सभी पैरामीटर के अंदर यहां पर कोई भी चेंजेस नहीं आने वाला है ये सारे पैरामीटर सेम मानकर ही अपन क्या करेंगे यहां पर कॉस्ट कंपैरिजन का एनालिसिस करेंगे तो चलिए पहला कॉस्ट कंपैरिजन अपन कर रहे हैं टू कंडक्टर डीसी के केस के में ना डीसी में क्या होगा आपके पास में टू कंडक्टर विद वन कंडक्टर जो है वो अर्थ अपन मान के चल रहे हैं तो देखो समझना यहां पर अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊ पहले केस में तो ये आपके पास में क्या होगा आपके पास में ये दो कंडक्टर है तो यहां पर अपने पास में क्या है समझना ये अपना डीसी सिस्टम है और यहां पर अपने पास में क्या है ?美味? ये दो कंडक्टर है ये दो कंडक्टर है यहां पर प्लस माइनस आपका वोल्टेज है इसमें जो करंट जा रहा है समझना इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है इस वायर में वो करंट आईवन है और ये रिटर्न आपको पता है कि दो कंडक्टर होंगे तो एक आपके पास में होगा? क्या होगा करंट सप्लाई करेगा दूसरा क्या करेगा रिटर्न कंडक्टर होगा तो ये रिटर्न कंडक्टर है तो, प्रीण 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 तो इसको भी आप करंट रिटर्न करंट कितना आ रहा है वो आपका आईवन आ रहा है और यहाँ पर मैंने आपको क्या बोला तो तो था? था कि एक कंडक्टर जो है कि वन कंडक्टर से अर्थ का पोटेंशियल जो है वो सेम रहेगा अब देखो अर्थ अपन ने इसको किया हुआ है, तो ये कंडक्टर से ये अर्थ हुआ तो इसका जो वोल्टेज है वो वी है वो आपके पास में क्या रहेगा सेम रहेगा क्या बोला मैंने एक कंडक्टर से अर्थ जो है अर्थ अपने दूसरे वाले रिटर्न कंडक्टर को माना है तो उसका वोल्टेज क्या रहेगा सेम रहेगा अब वोल्टेज अगर आपके पास में सेम है और अपन ने पावर क्या बोला था पावर ट्रांसमिटेड कितना है पी, वो भी सेम रहेगा तो देखो यहां पर अपन नोटेशन यूज कर लेते हैं पावर ट्रांसमिटेड का नोटेशन क्या होगा पावर ट्रांसमिटेड पावर ट्रांसमिटेड जो है वो कितना है आपके पास में पी है और वोल्टेज कितना है आपके पास में मैक्सिमम वोल्टेज जो है वन कंडक्टर से अर्थ का वोल्टेज क्या है मैक्सिमम वोल्टेज फ्रॉम वन कंडक्टर टू अर्थ वन कंडक्टर टू अर्थ तो उसका जो वोल्टेज है वो कितना आपके पास में वीएम है तो देखो पावर पी जो है आपके पास में करंट कितना होगा करंट आई इक्वल टू क्या लिखोगे पी डिवाइड बाय वोल्टेज तो क्या आ जाएगा आई वन करंट जो होगा वो पी डिवाइड बाय क्या होगा वीएम होगा समझ में आ गया करंट पावर पी इज इक्वल टू क्या होता तो है होता है ना तो आई इज इक्वल टू क्या होगा डिवाइड बाय आ जाएगा अब ये करंट आ गया तो बताओ लॉस की अगर मैं बात करूं पावर तो पावर लॉस की अगर बात करें तो पावर लॉस क्या होंगे बताओ अगर आपसे बोल दिया जाए पावर लॉस पावर लॉस के लिए मैंने आपको बोला नोटेशन अपन यूज करेंगे डब्ल्यू अब पावर लॉस जो होगा वो आप क्या बोलोगे सर पावर लॉस तो क्या होता है आई स्क्वायर इंटू आर होता है लेकिन ध्यान रखना वो आई स्क्र यहाँ पर टू आई स्क्वायर इंटू आर होगा ऐसा क्यों बताओ क्योंकि दो कंडक्टर है ना पावर लॉस क्या होगा दोनों कंडक्टर के अंदर आपके पास में लॉस होगा तो टू टाइम्स मैंने क्या बोल दिया आई आई वन स्क्वायर इंटू आर रहेगा आपके पास में तो यहां से इसको आप आर वन लिख दो चाहे रेजिस्टेंस पहले केस में बात कर रहे हैं तो टू इंटू आई वन की वैल्यू कितनी है तो देखो I1 की वैल्यू अपन ने यहाँ पर निकाली पावर डिवाइड बाय वोल्टेज कितना है तो इस वैल्यू को यहां पर लाके, अगर आप पुट करोगे तो यहाँ पर क्या होगा पावर P डिवाइड बाय क्या होगा वी एम, और उसका क्या होगा स्क्वायर पर क्या आपके पास में रेजिस्टेंस R बराबर क्या होगा रो इन टू एल डिवाइड बाय ए एरिया ऑफ क्या, क्या होगा एवन हो जाएगा तो यहां से अगर मैं बात करूं ये मेरे पास में लोस डब्ल्यू है तो यहां से काम करो एरिया को ऊपर ले जाओ डब्ल्यू को नीचे ले आओ तो यहां से W जो होगा आपके पास में एरिया A1 जो होगा वो एरिया आएगा आपके पास में वो आ जाएगा आपके पास में रो इन टू रो इन टू एल और यहां से क्या आ जाएगा ये होगा पावर P का क्या होगा स्क्वायर और डिवाइड बाय वी एम का भी क्या हो जाएगा स्क्वायर इंटू लोसिस कितना आ गया डब्ल्यू तो देखो ये आपके पास में क्या आ गया ये आ गया आपके पास में एरिया क्रॉस सेक्शन

तो अगर आपको वॉल्यूम की बात करेंगे कॉस्ट कंपेरिजन की अपन बात कर रहे हैं तो अपन किसके रेस्पेक्ट में बात करेंगे वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में तो वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर वो कितना होगा तो वॉल्यूम अपन कैसे निकालते हैं एरिया इंटू लेंथ से तो देखो यहां पर अपने पास में क्या है दो कंडक्टर है एक काम करो इस एवन की यहां पर पुट कर दो, तो आपके पास में पी स्क्वायर डिवाइड बाय स्क्वायर इंटू डब्ल्यू तो ये अपने पास में आ गया वॉल्यूम और इसको एज ए रेफरेंस पर अपन नोटेशन यूज कर लेते हैं के ठीक है इसका जो वॉल्यूम है उसको अपन रेफरेंस मान के चल रहे हैं ना तो ये अपने उसमें कितना आपके पास में जो है वो कंडक्टर वॉल्यूम वो, आपको रिक्वायर्ड होगा या फिर कंडक्टर मटेरियल आपको रिक्वायर्ड होगा या कॉस्ट कंपैरिजन होगा ठीक है तो यहां से अगर अपन बात करें तो देखो यहां पर ये था अपने पास में केस फर्स्ट जिसमें अपन डीसी टू वायर सिस्टम एज्यूम किया है और उसमें से वन कंडक्टर को अर्थ किया है अब यहां पर दूसरा केस क्या होगा डीसी टू वायर सिस्टम ही होगा लेकिन मिड पॉइंट जो है उसको अपन क्या मान के चलेंगे अर्थ अपन मान के चलेंगे तो यहां पर क्या आएगा समझना डीसी सेकेंड केस जो होगा अपन बात करें सेकेंड केस में क्या होगा डीसी टू वायर सिस्टम टू वायर सिस्टम टू वायर सिस्टम विद विद अर्थ, 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 यानी कि अपन क्या काम कर रहे हैं डीसी में टू वायर सिस्टम एज्यूम करके चल रहे हैं प्लस साथ में जो मिड पॉइंट होगा उसको अपन क्या मान के चलेंगे अर्थ अपन मान के चल रहे हैं ना मिड पॉइंट जो है उसको अपन अर्थ एज्यूम कर रहे हैं तो देखो पहले आप इसका डायग्राम बनाओ कि इसका डायग्राम जो है वो किस तरीके से बनेगा अगर आपको मिड पॉइंट अर्थ करना है तो जैसे मान लो ये आपके पास में क्या है ये आपके पास में टू वायर सिस्टम है तो ये वन वायर है और यह आपके पास में सेकेंड वायर और ये इन दोनों का यह है मिड पॉइंट इसको अपन क्या मान के चल रहे हैं इसको अपन मान के चल रहे हैं अर्थ समझ में आ गया तो ये अपने पास में सिस्टम है इस बार तो यहां पर अगर उन बात करें डीसी टू वायर सिस्टम है मिड पॉइंट अर्थ है अब मैंने आपको एक चीज बोली थी मैंने आपको बोला यहाँ पर अपन क्या क्या एजेंसन्स मान के चल रहे हैं क्योंकि वो एजमसन इंपॉर्टेंट है मैंने आपको एक अजमसन्स लिखा है यहाँ पर देखो मैक्सिमम वोल्टेज फ्रॉम कंडक्टर टू अर्थ जो है वो वी ए में वो सेम रहेगा यानी ध्यान रखना मैक्सिमम वोल्टेज वन कंडक्टर से जो भी कंडक्टर से अर्थ का जो मैक्सिमम वोल्टेज है वो आपका सेम रहना चाहिए अरे वो सेम कब रह पाएगा तो जब अगर बात करें यहां पर इस डायग्राम के अंदर तो इसका मतलब है ये कंडक्टर हो गया और इस बार अर्थ ये वाला नहीं है इस बार अर्थ ये है तो इसका मतलब है यहां का जो वोल्टेज होगा आपके पास में प्लस माइनस ये जो वोल्टेज होगा ये आपका वीएम रहना चाहिए और यहां पर जो है ये जो वोल्टेज है फिर से प्लस माइनस है ये आपका वीएम रहना चाहिए समझ में आ गया तो ये अपने पास में बात कर रहा हूं इस बार में कि ये वोल्टेज वी एम होगा और ये वोल्टेज भी क्या होगा आपके पास में वीएम होगा तो अगर मैं बात करूं पावर की तो देखो पावर का भी एजेंस क्या है पावर ट्रांसमिटेड है वो भी क्या होगा आपके पास में सेम है तो पावर जो है अगर बात करें ट्रांसमिटेड पावर क्या बात कर रहे हैं ट्रांसमिटेड पावर ट्रांसमिटेड पावर तो वो कितना होगा आपके पास में वो होगा ओनली आपके पास में पी जो है वो सेम रहेगा अगर अपन बात करें यहां पर वोल्टेज कहां से कहां तक वन कंडक्टर से अर्थ का वोल्टेज है वो अब देखो करंट कर कितना वोल्टेज तो की बात करूं कहां से कहां तक में तो दोनों कंडक्टर के बीच का वोल्टेज कितना है इस बार तो ध्यान रखना दो कंडक्टर के बीच का वोल्टेज इस बार वीएम और वीएम टू वी एम है जबकि अगर पिछले केस में अगर बात करें तो पिछले वाले केस में जो आपका दोनों कंडक्टर के बीच का वोल्टेज कितना था वीएम था क्योंकि यही कंडक्टर अर्थ था और अपन ने सेम क्या माना है वन कंडक्टर से जो अर्थ का पोटेंशियल है वो आपका सेम रहना चाहिए इसीलिए अपने पास में यहां पर जो है वोल्टेज है समझना यहां पर जो है वोल्टेज है आपके पास में दोनों कंडक्टर के वोल्टेज बीच का वोल्टेज है वो आपका क्या रहेगा वीएम प्लस वीएम यानी कि टू वी रहेगा तो यहां से अपन क्या बोल सकते हैं वोल्टेज बिटवीन कंडक्टर कितना रहेगा बताओ वोल्टेज बिटवीन टू कंडक्टर टू कंडक्टर तो वो कितना रहेगा आपके पास में वो रहेगा आपके पास में टू वी रहेगा तो बताओ करंट की अगर बात करें तो मुझे बोल दिया जाए बताओ, current कि बताओ करंट कितना होगा करंट तो करंट आई टू जो होगा वो पावर डिवाइड बाय क्या कर दो वोल्टेज कर दो यानी कि टू वी कर दो क्या बोला मैंने करंट अगर आपको निकालना है तो पावर डिवाइड बाय क्या कर लो आप वोल्टेज लेकिन वोल्टेज कौन सा होगा टू टाइम्स होगा क्लियर समझ में गया अगला एजेंसेंस क्या था अगला भी सेम है आपके पास में तो अगर मैं की बात करूं तो यहां पर आपके पास में क्या होगा जो है वो कितना होगा W इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास में आर टू और ये भी क्या होगा टू टाइम्स होगा ऐसा क्यों क्योंकि आपके पास में दो कंडक्टर है तो यहां से अगर अपन लोसेस की बात करें W तो ये होगा आपके पास में टू टाइम्स ऑफ I2 की वैल्यू आप पुट कर दो P डिवाइड बाय टू टाइम्स ऑफ वी एम उसका क्या होगा स्क्वायर आर इक्वल टू क्या होगा रो इन टू एल डिवाइड बाई क्या होगा आपके पास में ए ए मतलब एरिया कौन सा है ये ए टू अपन लिख देते हैं कौन सा एरिया है आपके पास में ए टू तो यहां से अगर आप सॉल्व करोगे तो W जो आएगा वो आपके पास में कितना आ रहा है समझना यहां से आएगा 2 और ये आ जाएगा पी स्क्वायर डिवाइड फोर इंटू वी एम स्क्वायर इंटू रो इंटू एल रो इन टू एल डिवाइड बाई ए तो देखो इसको कैंसिल कर लो ये टू बचेगा इस ए टू को ऊपर ले जाओ ए टू को आप ऊपर ले जाओ ये जो ए टू है इसको आप ऊपर ले जाओ W को यहाँ डिवाइड कर लो तो यहाँ से क्या इक्वेशन बनेगी ए टू जो आ रहा होगा वो आपके पास में क्या आएगा समझना ए टू जो देखो यहाँ से क्या आपके पास में इसको आप ऊपर ले जाओ यहाँ क्या बच रहा है पी स्क्वायर रो इन और डिवाइड बाई टू वी और डब्ल्यू और आ जाएगा आपके पास में तो यहां से आपके पास में क्या जाएगा रो इन टू एल ये होगा रो इन टू एल और यहां से क्या आएगा पी स्क्वायर डिवाइड बाई टू वी एम स्क्वायर इंटू डब्ल्यू ये हो गया आपके पास में एरिया अगर एरिया आ गया तो मैंने क्या बोला कॉस्ट कंपैरिजन के अपने क्या निकालना पड़ेगा वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर अपने को निकालना पड़ेगा? पड़ेगा और अगर अपन वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर की अगर अपन बात करें तो वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर जो होगा वो कितना होगा आपके पास में तो वॉल्यूम क्या होगा टू टाइम्स ऑफ एरिया ए टू लेंथ समझ में आ गया क्या होगा आपके पास में टाइम्स ऑफ एरिया लेंथ अगर अपन करते हैं वॉल्यूम निकालने के लिए तो यहां पर क्या आएगा आपके पास में वॉल्यूम जो आएगा टू टाइम्स ऑफ एरिया कितना है एरिया है आपके पास में रो इल पी स्क्वायर डिवाइड टू इंटू वी एम स्क्वायर इंटू क्या होगा डब्ल्यू और यहां से क्या आएगा आपके पास में लेंथ से और मल्टीप्लाई कर देते हैं ठीक है तो यहां पर भी देखो अपने डीसी में भी यहां पर लेंथ से और मल्टीप्लाई किया था एक और लेंथ से तो ले एल जाएगा ना लेंथ से और मल्टीप्लाई किया है तो यह एल स्क् एल स्क्वायर तो ये आप कैंसिल कर लो टू से टू तो यहां से क्या है आपके पास में यहां पर जो आपके पास में वॉल्यूम आ रहा है वो आ रहा है रो इन एल स्क्वायर इन पी स्क्वायर डिवाइड बाय वी एम स्क्वायर इंटू डब्ल्यू तो ये आपके पास में क्या है वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर है अब देखो वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर में ये फॉर्मूला यहां पर आ रहा है अगर आप पिछले के रेस्पेक्ट में कंपेयर करोगे तो पिछले जो वॉल्यूम आ रहा था पहले पहले वॉल्यूम कितना आ रहा था देखो फोर इंटू रो इंटू एल स्क्वायर डिवाइड बाय इंटू पी स्क्वायर वी एम स्क्वायर डिवाइड बाय डब्ल्यू था यहाँ फोर और आ रहा था बाकी अदरवाइज अगर आप देखोगे सेम है ना सिर्फ फोर है उसके अलावा बाकी सबको सेम है अगर मैं यहाँ फोर लगा दूं तो मेरे पास में यहां पर क्या आ जाएगा वो भी सेम आ जाएगा इसका मतलब यहां पर क्या समझ में आया कि इस केस में यहां पर जो ये वॉल्यूम आ रहा है ये जो वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर रिक्वायर्ड है पहले के कंपेरेटिव में कितना आ रहा है पहले के कंपेरेटिव में ये पहले के कंपेरेटिव में अगर मैं बात करूं तो वन बाई फोर टाइम्स आ रहा है देखो पहले इसको मैंने वॉल्यूम के लिखा था है ना तो फोर का इधर डिवाइड कर दूं तो अभी कितना आ रहा है आपके पास में तो पिछले के कंपेरिजन में कितना आ रहा है ओनली आपके पास में के बाई फोर आ रहा है के बाई फोर के बाई फोर का मतलब मैं क्या लिखूंगा बताओ पॉइंट टू फाइव टाइम्स ऑफ के यानी कि अगर अपन वॉल्यूम को कंपैरिजन करें तो कितना होगा ओनली आपके पास में पॉइंट टू फाइव टाइम ऑफ वॉल्यूम ही आपके पास में यहां पर क्या होगा रिक्वायर्ड होगा कॉस्ट की अगर अपन बात करते हैं इस केस में तो क्लियर समझ में आ गया तो ये अपने पास में दूसरा केस था कौन सा केस था आपके पास में कि डीसी टू वायर सिस्टम लास्ट में अपन इसको कंक्लूजन लिख देंगे ना टेबल की फॉर्मेट में तो देखो डीसी टू वायर सिस्टम की अगर अपन बात करें तो डीसी टू वायर सिस्टम आपके पास में पहले तो वन कंडक्टर अर्थ था फिर उसके बाद में दूसरा अपन ने क्या पढ़ा मिड पॉइंट अर्थ है अब अपन बात करेंगे डीसी थ्री वायर सिस्टम किसकी बात करेंगे अपन थ्री वायर सिस्टम की अपन बात करेंगे यहां पर तो यहां पर अपने पास में क्या होगा नेक्स्ट थर्ड केस होगा आपके पास में डीसी थ्री वायर सिस्टम थ्री वायर सिस्टम थ्री वायर सिस्टम अब देखो डीसी में थ्री वायर सिस्टम में तो थ्री वायर सिस्टम का मतलब क्या है थ्री वायर सिस्टम का मतलब यह है कि अपने पास में दो तो आपके पास में क्या होंगे कंडक्टर होंगे और तीसरा जो होगा वो क्या होगा आपके पास में न्यूट्रल कंडक्टर होगा क्या समझ में है यहां पर आपके पास में तीसरे को अपन न्यूट्रल वायर अपन मान के चलेंगे दो आपके पास में क्या होंगे कंडक्टर होंगे और तीसरा क्या होगा आपके पास में न्यूट्रल कंडक्टर होगा तो यहां पर लिख देना इन थ्री वायर सिस्टम इन ए डीसी थ्री वायर सिस्टम थ्री वायर सिस्टम टू आर टू वायर आर मेन कंडक्टर एंड थर्ड वन इज थर्ड वन इज न्यूट्रल कंडक्टर थर्ड वन इज क्या होगा आपके पास में न्यूट्रल कंडक्टर होगा आपके पास में और वो कहां पर अपन जनरेटर एंड पर अपन क्या मान के चलेंगे वो जनरेटर एंड पर अर्थ होगा विच इज अर्थड ऑन जनरेटर एंड तो जनरेटर साइड में वो क्या आपके पास में अर्थ अपन उसको एज्यूम करेंगे तो यहां पर लिख देना विच इज विच इज अर्थ अर्थड ऑन जनरेटर जनरेटर एंड तो जनरेटर एंड पर अपन उसको क्या मान के चलेंगे यहां पर अर्थ अपन एज्यूम करके चल रहे हैं क्लियर है अब समझना। अगर मुझे इसका सिस्टम बनाना है पहला तो डीसी थ्री वायर सिस्टम का तो डायग्राम कैसा बनेगा पहले वो हो पता होना चाहिए तो देखो अगर आप डीसी थ्री वायर सिस्टम का अगर आप डायग्राम बनाते हो तो ये अपने पास में क्या है डीसी सी थ्री वायर सिस्टम बनाना है तो ये होगा आपके पास में वन ये होगा सेकेंड वायर ये होगा आपके पास में थर्ड वायर जो मैं डॉटेड में यहां पर शो करके चल रहा हूं थर्ड वायर ये न्यूट्रल कंडक्टर होगा और ये है आपके पास में जनरेटर एंड पर पर ना तो हमने यहां इसको अर्थ भी कर दिया अब देखो यहां से फिर से अपन वही बात करते हैं पोटेंशियल की या, जो अपने थे में क्या क्या था अजमसन में था अपने पास में कि यहां पर जो है वन कंडक्टर से जो अर्थ का पोटेंशियल है VMA, वो हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगा क्या बोला मैंने वन कंडक्टर से जो अर्थ का पोटेंशियल है वीएम है वो हमेशा क्या रहेगा आपके पास में सेम रहेगा कांस्टेंट रहेगा तो यहां से अपन बोल सकते हैं वन कंडक्टर से यही आपके पास में अर्थ मान लो क्योंकि न्यूट्रल है तो ये वीएम रहेगा और यहां से भी क्या रहेगा आपके पास में वीएम रहेगा अब देखो यहां से करंट आपके पास में आई आ रहा है इधर से करंट कितना जा रहा है आपके पास में आई जा रहा है अब यहां से अगर अपन लिखे पावर ट्रांसमीटर देखो पावर जो अपने से उन सभी को मैं यूज कर रहा हूं और देखो ये जो डेरिवेशन है ना ये बहुत इजी डेरिवेशन है मतलब इजीली जो है आप इस टाइप के डेरिवेशन करके जो आप बर्डन लेते हो ना रटने का मुझे पता है आप सभी लोग जो इस टेबल को बार बार रटते हो तो इस टेबल को रटने की रिक्वायरमेंट नहीं है आप क्या कर सकते हो आप इजीली इनको डेराइव करके और डेरिवेशन में कितना टाइम लग रहा है यार आधा मिनट एक मिनट में आप डेराइव कर सकते हो अगर आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी तो तो इसीलिए आपको क्या रटना बहुत कम है मैक्सिमम ट्राई किया करो समझने का और किस तरीके से आया क्योंकि रटने वाली चीजें जो है वो क्या होता है अपन एग्जाम में जाकर प्रेशर इतना होता है ना एग्जाम का कि अपन वहां पर भूल जाते हैं या फिर हो सकता है कि अपने को दो ऑप्शन जो है वो लगभग पॉइंटों में डिफरेंस करके अगर वो दे दे आपको तो वहां पर अपन ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार 0.25 होना चाहिए या 0.24 होना चाहिए या 0.26 होना चाहिए इस तरीके से वो कंफ्यूज कर देगा आपको एग्जाम में तो बेटर है आप आराम से डेराइव कर लो अगर आप एक दो बार इनको प्रैक्टिस कर लोगे ना तो इजीली जो, ही, जो है ये जो चीजें हैं ये आपको समझ में आ जाएगी जो अभी तक आप रटने रटते आए हो ना तो चलिए इसको अपन बात करते हैं आगे तो देखो मैंने क्या बोला था पावर ट्रांसमिटेड की अपन बात करें पावर ट्रांसमिटेड की अगर अपन बात करें पावर ट्रांसमिटेड जो है वो आपके पास में मैंने क्या बोला वो पी जो है वो क्या रहेगा आपके पास में सेम रहेगा अब अगर हम बात करें देखो थ्री वायर है थ्री वायर में टोटल पावर ट्रांसमिटेड कितना है पी है तो मैं क्या बोलूंगा एक कंडक्टर और एक न्यूट्रल के बीच का जो पावर है आधा पावर ये ट्रांसमिट करेगा आधा पावर ये ट्रांसमिट करेगा आप ऐसा एज्यूम कर सकते हो ठीक है कि हाफ पावर जो है इसके थ्रू ट्रांसमिट होगा और हाफ पावर इसके थ्रू ट्रांसमिट होगा तो अगर आपको करंट निकालना है तो आप करंट ऐसे भी निकाल सकते हो करंट आई थ्री जो होगा वो आप ऐसा लिख सकते हो पी बाय टू और डिवाइड बाय कितना है वी एम वोल्टेज है तो P डिड बाय टू वी ये आपके पास में क्या करंट I3 आ जाएगा अब ये करंट अगर आपके पास में I3 आ गया तो देखो लोस की वैल्यू कितनी होगी तो अगर मैं बात करूं, यहां पर की, तो जो है, वो कितना होगा आपके पास में तो यहां पर होगा आपके पास में यहां से आएगा टू टाइम्स ऑफ कितना होगा आपके पास में आई स्क्वायर क्या होगा टू टाइम्स ऑफ आई थ्री स्क्वायर इंटू आर थ्री कर दो इसको ना? तो यहां से आ जाएगा आपके पास में टू टाइम्स ऑफ आई थ्री की वैल्यू कितनी है तो वो है आपके पास में पी डिड बाई टू वी एम और उसका क्या होगा कितना है तो रो एल एरिया कितना होगा ए थ्री होगा तो यहां से अगर आप सॉल्व करो तो लॉसेस जो है इसके लिए नोटेशन अपन यूज करेंगे w तो यहां से w जो है नोटेशन वो क्या है आएगा आपके पास में वो आएगा रो इन टू क्या आपके पास में रो इन टू एल डिवाइड बाय रो इंटू एल और इंटू क्या होगा पी स्क्वायर नेक्स्ट समझ तो देखो यहां पर अपने पास में टू का स्क्वायर कितना हो जाएगा फोर फोर को टू से कैंसिल करोगे नीचे टू बचेगा तो टू इंटू वी एम स्क्वायर और यहां से क्या आएगा एरिया ए थ्री तो यहां पर लिख दो आप टू इंटू वी एम स्क्वायर इंटू एरिया कितना होगा आपके पास में ए थ्री तो यहां से इसको ऊपर ले जाओ ए तो थ्री जो आएगा वो आएगा आपके पास में रो इंटू एल रो इन टू एल इंटू क्या होगा आपके पास में पी कितना होगा वी एम स्क्वायर और ये हो जाएगा डब्ल्यू तो ये हो गया अपने पास में क्या आ गया एरिया ए थ्री आ, आ गया अब ये अपने पास में एरिया आ चुका है अब अपने को लिखना है वॉल्यूम कि भैया यहां पर वॉल्यूम कितना होगा क्या लिखना है अपने को वॉल्यूम के बारे में लिखना है तो वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑफ वायर अपने को लिखना है तो अपन पर क्या करके चलते हैं कि जो न्यूट्रल कंडक्टर है उस न्यूट्रल कंडक्टर का जो एरिया है वो आपके पास में बाकी दो कंडक्टर के कंपैरिजन में कितना है हाफ है क्या बोला मैंने जो आपके पास में न्यूट्रल कंडक्टर है उसका जो आपके पास में एरिया है वो बाकी दो कंडक्टर के रेस्पेक्ट में अपन क्या मान के चलते हैं यहां पर हाफ एज्यूम करके चलते हैं तो यहां पर अपन लिख देते हैं पहले एज्यूम एज्यूम द वॉल्यूम ऑफ एज्यूम द वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑफ न्यूट्रल कंडक्टर न्यूट्रल वायर या एरिया ऑफ आप लिख दो एरिया ऑफ न्यूट्रल वायर या वॉल्यूम ऑफ कुछ भी लिख दो आप यहां पर ठीक है तो यहां पर क्या होगा आपके पास में न्यूट्रल वायर इज इज हाफ ऑफ अदर अदर वायर तो अदर वायर का हाफ होगा तो यहां से अगर मैं टोटल वॉल्यूम अगर मैं लिखूं टोटल वॉल्यूम कितना होगा तो वो कितना हो जाएगा आपके पास में टू पॉइंट फाइव इंटू क्या होगा आपके पास में क्योंकि क्यों लिखा क्योंकि हाफ है और टू पॉइंट फाइव इंटू आपके पास में जो है वो एरिया ए थ्री इंटू क्या होगा लेंथ आ जाएगा क्या होगा वॉल्यूम क्या होता है एरिया इंटू लेंथ तो एरिया ए थ्री इंटू लेंथ तो ये अपने पास में होगा वॉल्यूम अब एक काम करो इसको आप सॉल्व करो अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास में टू पॉइंट फाइव इंटू एरिया ए थ्री की वैल्यू पुट करो यहाँ से रो इटू एल पी स्क्वायर डिवाइड बाय टू इंटू वी एम स्क्वायर और यहां से क्या आएगा आपके पास में डब्ल्यू इंटू एल जो है वो एल स्क्वायर हो जाएगा तो यहां से आपके पास में टोटल वॉल्यूम जो आ गया वो वॉल्यूम कितना आ गया आपके पास में वो वॉल्यूम है आपके पास में अगर मल्टीप्लाई करो यहां से कितना आ रहा है टू पॉइंट फाइव डिवाइड बाय आपके पास में कितना होगा टू तो यहां से अगर अपन बात करें टू पॉइंट फाइव इंटू क्या आएगा आपके पास में इन आएगा रो एल स्क्वायर रो एल स्क्वायर पी स्क्वायर डिवाइड बाय रो एल स्क्वायर पी स्क्वायर डिवाइड बाय यहां से कितना आ जाएगा आपके पास में टू वी एम स्क्वायर और डब्ल्यू तो ये आएगा आपके पास में टू वी एम स्क्वायर एंड कितना आएगा डब्ल्यू हाँ आएगा

वो कितना था आपके पास में फोर इन टू रो इन टू ये किस केस में था ये अपन ने रेफरेंस जो मैंने बोला था कि अपन क्या करेंगे टू वायर सिस्टम जो होगा उसमें से वन कंडक्टर अर्थ होगा उसको अपन रेफरेंस मान के चलेंगे अगर मैं इसको रेफरेंस एज्यूम करके चल रहा हूं तो इसके कंपेरिजन में मुझे यहां बताना है तो यहां से एक काम करो ये जो है रो फोर का इधर डिवाइड कर लो तो रो एल की जगह अपन क्या करेंगे रख दो तो यहां से देखो आपने क्या करना है फोर का इधर डिवाइड कर लो तो के बाई फोर इज इक्वल टू हो जाएगा रो इन टू एल स्क्वायर डिवाइड बाय होगा आपके पास में वी एम स्क्वायर इन डब्ल्यू तो एक काम करो ये जो वैल्यू है इन सभी की जगह है ना इन सभी की जगह आप के बाई फोर पुट कर दो तो यहां से क्या आ जाएगा टू पॉइंट फाइव इंटू क्या होगा आपके पास में डिवाइड बाई टू तो ऑलरेडी है इंटू क्या होगा के फोर. तो ये वैल्यू डिवाइड तो अगर करें यहां पर तो यहां से कितना आएगा थ्री टाइम्स आएगा थ्री टाइम्स आएगा इसके बाद में आपके पास में कितना हो जाएगा थ्री फिर वन फिर आएगा टू और फिर आएगा आपके पास में फाइव ठीक है तो यहां पर कितना आ रहा है पॉइंट थ्री वन टू फाइव टाइम्स बात करें तो इस केस में किस केस में कि जब रिक्वायर्ड तो के होगा वो टू फेज या टू वायर सिस्टम के रेस्पेक्ट में जिसमें वन कंडक्टर अर्थ होगा उसके कंपैरिजन में ओनली पॉइंट थ्री वन टू फाइव टाइम्स ही होगा तो देखो यहां से अगर अपन कंक्लूजन लिखें कि डीसी सिस्टम के अंदर जो है अपन ने कॉस्ट कंपेरिजन या वॉल्यूम कंपेरिजन अगर अपन करें तो यहां पर कितना आएगा समझना यहां पर अपन ने तीन केस एज्यूम किए कौन कौन से एक आपके पास में डीसी टू वायर सिस्टम है फिर आपके पास में क्या है मिड पॉइंट अर्थ है और थ्री वायर सिस्टम है सबसे पहला मैंने यहां पर एज्यूम किया था टू वायर टू वायर विद वन वायर अर्थ वन वायर अर्थ तो वहां पर अपन ने एज्यूम किया था वॉल्यूम जो आया था यहां पर अपन क्या लिख रहे हैं इधर अपन लिख रहे हैं वॉल्यूम तो वॉल्यूम आया था वो कितना आया था के और के की वैल्यू आई थी आपके पास में फोर रो एल स्कौर, पी स्कौर, वी एम तो क्या पता एग्जाम में आपको डेटा पूछ ले तो ये भी आप याद रखना है ना फिर अगर अपन बात करें टू वायर के केस के बाद में तो यहां पर अपने पास में आया था टू वायर विद अपन ने पढ़ा था मिड पॉइंट अर्थ Earth, earth, तो यहां पर जो है ये के जो यहां पर वैल्यू कितनी आई थी पॉइंट टू फाइव टाइम्स रिक्वायर्ड होगा सेम पावर ट्रांसमिशन के लिए सेम आपके पास में लॉस होंगे और सेम आपके पास में वोल्टेज रहेगा सब कुछ उन अजनस के साथ में है ना नेक्स्ट यहां पर अगर हम बात करें फिर मैंने लिखा था यहां पर डीसी में में बात कर रहे हैं अपन ये सब कुछ डीसी सिस्टम में बात कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या माना था? अपन ने थ्री वायर विद अपन ने क्या किया था थ्री वायर सिस्टम अपन ने माना था ना थ्री वायर सिस्टम और उसमें जो है थर्ड कंडक्टर था वो न्यूट्रल था तो ये वैल्यू कितनी है? ये आपके सामने ये वैल्यू कितनी है ये आपके पास वन टू तो फाइव टाइम्स ऑफ के तो या तो आपको कंपेरिजन करवाएगा या फिर आपको उनके वॉल्यूम की वैल्यू पूछ लेगा नहीं तो आपको एरिया की वैल्यू पूछ लेगा अब डिपेंड करता है देखो एग्जामिनर के मन में क्या है वो क्या ऐसा क्वेश्चन बनाना चाहता है बट ये आपके सामने फाइनल कंक्लूजन है कि अगर आपको डीसी सिस्टम के अंदर कॉस्ट कंपैरिजन पूछा जाए वॉल्यूम कंपैरिजन पूछा जाए तो आप यहां से जो है वो आप आंसर बता सकते हो क्लियर समझ में आ गया तो ये था आपके पास में डीसी सिस्टम का कॉस्ट कंपैरिजन और देखो मैंने आप सभी को बताया था कि जो हिंदी मीडियम के लिए हमारा न्यू बेच स्टार्ट होने जा रहा है वो है आपके कब से फिफ्थ नवंबर से स्टार्ट हो रहा है और इसके अंदर मैं आपको बताता हूं सारे इंफॉर्मेशन एक बार फिर से कि यहां पर जो है आपके पास में हम इन सभी एग्जाम को फोकस करते हुए सारा सिलेबस हम आपका कवर करवाएंगे और स्पेशली यहां पर जो नोट्स है वो आपको हिंदी में ही मिलने वाले हैं और किसी को भी अगर डेमो देखना है तो वो यूट्यूब पर जो हमारे लेक्चर है प्ले के अंदर उन पर जाकर आप डेमो लेक्चर आप देख सकते हो वहां पर आपको पता लग जाएगा कितना आराम से हमने हिंदी जो है वो वर्ड यूज किए हैं क्योंकि नॉर्मली हिंदी में कोई नहीं पढ़ाता है बट उत्कर्ष इंजीनियर्स क्लासेस जो है वो आपको हिंदी में प्योर नोट्स प्रोवाइड कराएगी प्लस साथ में जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है उन सभी के लिए इन्फॉर्मेशन है कि इंग्लिश मीडियम का जो है ऑलरेडी फाउंडेशन बेच है वो रनिंग है चल रहा है उसमें नेटवर्क अभी सब्जेक्ट रनिंग कंडीशन में है तो आप सभी लोग जो है उत्कर्ष की डाउनलोड करके आप इंग्लिश मीडियम वाला बीच भी आप ज्वाइन कर सकते हो तो चलिए होप सो आप सभी लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा कि कॉस्ट कंपैरिजन अपन ने किया किसका डीसी सिस्टम का अभी अपने को अभी चार तीन कॉस्ट कंपैरिजन और करेंगे सिंगल फेज एसी में करेंगे फिर अपन टू फेज में करेंगे और फिर थ्री फेज में अपन करने वाले हैं तो चलिए इस बाकी सभी के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर ओके थैंक यू सो मच